नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29, 30 और 31 अक्टूबर की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। जी दोस्तों, ये अक्टूबर माह की आखिरी तीन दिन आप सभी के लिए कैसे रहेंगे, यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन्हें सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशील होंगे, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 29 अक्टूबर की बात करें तो दोस्तों इस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन पुष्य नाम का नक्षत्र रहेगा। वह दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो शुभ नाम का शुभ योग रहेगा और शुक्ल नाम का भी शुभ योग इस दिन रहने वाले हैं। वह दोस्तों राहु कल का समय दिन सुबह के 10:46 से लेकर दोपहर के 12:10 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप यह राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। इसके उपरांत दोस्तों चंद्रमा दिन कर्क राशि पर संचार करेंगे। वह दोस्तों अगले दिन की बात करें तो दोस्तों दिन शनिवार का दिन रहेगा, नवमी तिथि रहेगी और आश्लेषा नाम का नक्षत्र रहेगा। ये दोस्तों और उस दिन भी ब्रह्म नाम का शुभ योग रहेगा। राहु कल का समय दिन सुबह के 9:22 से लेकर सुबह के 10:46 रहेगा और चंद्रमा का इस दिन कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार हो जाएंगे। वह दोस्तों आखिरी दिन 31 अक्टूबर की बात करें तो दोस्तों इस दिन रविवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और मघा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। और दोस्तों इस दिन योग जो है वो इंद्र नाम का योग बन रहे हैं और यह योग भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। राहु कल के समय शाम के 4:21 से लेकर शाम के 5:45 रहेगा और चंद्रमा दिन सिंह राशि में ही संचार करेंगे। तो ये दोस्तों बात करते हैं तीन दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों इन दिनों में परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय ठीक रहेगा। जीवन साथी का यह समय आपको सहयोग मिलेगा। जो दोस्तों इन दिनों में दिन आपके लिए मनोरंजन तथा घूमने फिरने का समय में आप इन दिनों को व्यतीत करेंगे। कारोबार के सिलसिले में यह समय आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो मित्रों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। दोस्तों यश में वाणी पर आप संयम रखें, मन अशांत रहेगा, कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, बाहर की यात्रा भी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों यश में आर्थिक लाभ के लिए जो है किए गए प्रयासों में भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो दोस्तों आप यश में सावधान भी रहें। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होगा आपके लिए कुछ चुनौतियों भरा समय होगा, जो आपके लिए काफ़ी परेशानी भरा भी समय हो सकता है। दोस्तों आप समस्याओं को सकारात्मक तरीके से अपने ऊपर लें, इसमें आपकी जो है सफलता के कुछ सूत्र छिपे हुए हो सकते हैं, यह आपके लिए भविष्य में लाभकारी रहेगा। आप चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। नए लोगों से इसमें जो है मुलाकात होने की आसार हैं, जिनके साथ आप नए रिश्ते का आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो है यश में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपके लिए नए जॉब ऑफर्स या फिर बिजनेस में कुछ नए कॉन्टैक्ट होने की संभावना बन रही है। दोस्तों इन दिनों में व्यवसाय के लिए कामकाज के क्षेत्रों में एक अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोशिश करें तो आपको भारी धन लाभ भी होगा, इसलिए दोस्तों आप जो है सांस भरे कदमों के साथ आगे बढ़ें और कोई भी कार्य को सफल बनाने की आप यश में कोशिश करते रहें। दोस्तों आप जानते हैं कि बिना मेहनत से कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए जो है मेहनत करने का दिन होगा और उनसे आप सफलता प्राप्त करेंगे और यह समय आपको आर्थिक इनसे लाभ भी होगा। वही दोस्तों यह समय इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में प्रेम संबंधों को लेकर स्थितियाँ जो है अनुकूल रहेंगी। यदि आप किसी से प्यार भी करते हैं तो दोस्तों उसका साथ आपको यह समय मिल सकता है। आपके प्रेमीजन
से जो है इसमें आपके कामकाज के क्षेत्रों में भी सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपकी जो है अच्छी उन्नति हो सकती है। दोस्तों इन दिनों में आपको कुछ रिश्तों में समस्याएं भी आ सकती है और दूसरों की जो है बात में आकर आप यह समय कोई भी जो है फैसला न लें, किसी पर भी इसमें शक ना करें, इन सभी से इसमें आप दूर रहें। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपको मानसिक तनाव और स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। वही दोस्तों इसमें आपको जो है काम के बीच में से आराम के लिए समय भी निकालना होगा, अन्यथा आप यह समय बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों यह समय आपका जो भाग्यशाली रंग रहेगा वह रहेगा काला और भाग्यशाली अंक रहेगा 7। दोस्तों यह समय आप अपने जो है निकट के व्यक्तियों और प्रिय व्यक्तियों के साथ अधिक जो है भावनाशील बनेंगे। ऑफिस से छुट्टी लेकर आप पारिवारिक सदस्यों के साथ कहीं घूमने भी यह समय जा सकते हैं। आपके बच्चों को भी जो है यह आपका साथ जो है बहुत पसंद आएगा। गणेश जी कहते हैं कि शाम का समय जो है आपके लिए माता पिता को मंदिर या फिर किसी धार्मिक स्थान पर ले जाएं। इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में अपने आप को आप शांत रखने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं करें। जुनून आपके कार्यों में भी यह समय दिखाई देगा, ये गणेश जी की भविष्यवाणी है। दोस्तों आप जो है अंदर से प्रतिस्पर्धी महसूस करेंगे। सबसे अच्छे प्रोजेक्टों को यह समय आप हासिल करने की लालच जो है आपके अंदर ईर्ष्या भर देगा, जब जब किसी और को आपका कार्य सौंपा जाए। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों इन दिनों में जो है भावनात्मक नियंत्रण की कमी से आपके प्यारे जीवन के सद्भाव को खराब कर सकती है। आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। यदि आप अपने साथी से जो है असहमत हैं तो यह जो है आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस स्थिति को कैसे संभालें। गणेश जी का सलाह है कि इससे पहले भावनाएं आप पर हावी हो जाए उससे पहले आप जो है अपनी भावनाओं को नियंत्रण में कर लें। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय अपनी गाड़ी बेचने की आप सोच रहे हैं तो यह योजना जो है टाल दें। ये जो दिन है आपके लिए फायदे वाला दिन नहीं होगा। आपको लगेगा कि गाड़ी बेचने से आपका नुकसान ही हुआ है। गाड़ी बेचने के लिए सही समय बस आने ही वाला है, उसका आप इंतज़ार करें। दोस्तों इन दिनों में आप जो है काम का बहुत ज़्यादा भार लेने के मूड में नहीं होंगे। आप जो है वास्तव में अपने पूर्ण रूप में नहीं हैं। थका हुआ आप यह समय महसूस कर सकते हैं। कार्यों को खत्म करने के लिए दूसरों की आयस में आपको जो है सहायता लेना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए आपको जो है पूरे आराम की जरूरत हो सकती है। नहीं तो शरीर की थकावट जो है आपके मन में जो है निराशावादिता को जन्म दे सकती है। दोस्तों यह समय जो लोग जो है काफ़ी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे उन्हें यह समय जो है कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की जो है कई परेशानियाँ आपके दूर हो जाएंगे। पारिवारिक समारोह और जो है महत्वपूर्ण अवसरों के लिए ये जो दिन है बहुत अच्छा दिन रहेगा। आपको यह समय अपने पीर के दिल की बात जानने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों कल जो है बहुत देर हो जाएगा। मशहूर लोगों से मेलजोल आपको नई योजनाएं और आइडिया सुझाएगा। यात्रा करना आपके लिए फायदेमंद होगा लेकिन महंगा भी साबित होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में आप जो है साबुत हल्दी को बहते जल में प्रवाहित करें। इनसे दोस्तों आपका जो सेहत इन दिनों में खराब होने वाला है यह इसमें सुधार आएगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि गुरु ग्रह को सौभाग्य सम्मान और समृद्धि नियत करने वाला माना गया है। शास्त्रों में यश व फिर सफलता के हर एक इच्छुक इंसान के लिए गुरु ग्रह दोष शांति का एक ही उपाय है। जहाँ दोस्तों यह उपाय औषधीय स्नान के रूप में प्रसिद्ध है। इसे हर इंसान जो है दिन की शुरुआत नहाते के वक्त कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि नहाते समय आप अपने जल में गुड़, सोने की कोई वस्तु, हल्दी, शहद, शक्कर, नमक, मुलेठी, पीले फूल, इनमें से थोड़ी सी मात्रा में जल में किसी को भी मिलाकर आप नहाएं। ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होंगे। इनसे दोस्तों व्यक्ति को मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होती है और आपके गुरु दोष इनसे शांत होते हैं। तो दोस्तों इन उपायों को आप यश में शुरू करें, ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।